नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लेके आई हूँ कढ़ी की रेसिपी। इसके लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो इस प्रकार है। बेसन ले लीजिए 1.5 कप, 1 कप ले लीजिए दही, 2 प्याज ले लीजिए, 1 बड़ा प्याज, 1 मीडियम साइज़ का प्याज। जो बड़ा प्याज है उसे आप इस तरीके से बारीक चॉप कर लीजिए, और जो मीडियम साइज़ का प्याज है उसे आप लंबा इस तरीके से काट लीजिए। 1 टेबलस्पून आप ले लीजिए लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्च ले लीजिए, इसे भी बारीक चॉप कर लीजिए। मसालों में आपको चाहिए 3 मैंने लिया है सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 लिए हैं काली मिर्च, 5 लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा, 1/2 टीस्पून हमने लिया है अजवाइन, 1/2 टीस्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और आप 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ले लीजिए। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। अब सबसे पहले हम पकौड़ी का मैटर तैयार करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले एक बर्तन लीजिए, उसमें आप बेसन डाल दीजिए 1 कप। अब इसमें प्याज डाल दीजिए, जो ये बारीक चॉप किए हुए आपने प्याज रखे थे ये इसमें डाल दीजिए, साथ में ये हरी मिर्च डाल दीजिए। ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट रखा था इसका हम 1/2 डालेंगे इसमें, थोड़ा नमक डालिए, नमक अंदाजे से डालिए क्योंकि हम पकौड़ी में भी नमक डालेंगे और जो हम इसका ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी हम डालेंगे नमक। हल्दी आप इसमें डाल दीजिए आधी, लाल मिर्च डाल दीजिए आधी, और अजवाइन आप इसमें ये पूरा डाल दीजिए। अब इसे आप मिक्स कर दीजिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिए, नहीं तो हो सकता है कि ये बिल्कुल गीला हो जाए और फिर इसकी अच्छे से पकौड़ी नहीं बन पाएगी। तभी पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालिए। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डाल दीजिए। इससे आपकी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी फूली फूली सी बनेंगी। ये देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए ज़्यादा ये ना पतला है ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा है, बस इतना ही आप इसको बनाइए और इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब गैस ऑन करके आप एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दीजिए, इसमें हम पकौड़ी को तलेंगे। ये देखिए अब आप तेल गरम हो चुका है, तेल को थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि तेल गरम हो गया। इसमें हल्का सा एक ड्रॉप आप डाल के देखिए, ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम पकौड़ी डालेंगे। ये देखिए ये पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब आप इन्हें निकाल के अलग रख लीजिए और बाकी जितना बैटर है आपका उसका आप उतनी ही पकौड़ी बना लीजिए। अगर ज़्यादा गर्म हो गया हो तेल तो आप गैस की फ्लेम को धीरे कर लीजिए और फिर जो बचा हुआ बैटर है उसकी भी आप पकौड़ी बना लीजिए। ये देखिए ये भी हो चुके हैं, इनको भी आप निकाल लीजिए। अब आप गैस ऑन करके फिर से एक दूसरी कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे। इसमें आप लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डालिए। अब तेल को गर्म होने का वेट करिए। अब आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, इसमें आप दही डाल लीजिए, ये पूरी दही आप इसमें डाल दीजिए।
ये जो आधा कप आपने बेसन रखा था ये भी आप इसमें डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए, हल्दी भी आप इसमें पूरी डाल दीजिए और ये लाल मिर्च भी इसमें डाल दीजिए। अब इसमें हम एक कप पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे भी अब आप साइड में रख दीजिए। ये देखिए तेल अब गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ये जितने भी हमने ये खड़े मसाले रखे थे ये डाल देंगे। इसमें जीरा, लौंग, काली मिर्च और लाल सूखी मिर्च हमने डाला है। देखिए ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब साथ में जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अभी हल्का सा सुनहरा हो चुका है, ट्रांसपेरेंट सा। अब हम इसमें डाल देंगे, ये डाल देंगे, इसको आपने अच्छे से मिक्स करके रखा था जो ये मैटर है इसको हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए। अब आप इसमें एक कप पानी और डाल दीजिए। अब आप इसे इसी तरीके से रख दीजिए, कम से कम इसमें एक बॉयल आ जाए तब हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। ये देखिए अभी कढ़ी में बॉयल आने लग गया है, अब हम इसमें ये पकौड़े डाल देंगे। अब आप इसे धीमी आंच में बिल्कुल कम फ्लेम में इसे आप 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए कि जो पकोड़े हैं उनके अंदर भी करी अच्छे से जा सके। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब आप चेक कर लीजिए। हाँ जी, ये देखिए ये कढ़ी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप गैस को ऑफ कर दीजिए और अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।